नमस्कार दोस्तों, AMS Academy के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सुमित मलिक आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और नव वर्ष में मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ हमारा साथ यूँ ही बना रहे और हम ऐसे ही चीज़ें सीखते रहें। अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, AMS Academy रोहतक के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है। और लाइक कमेंट और शेयर करने में कमी ना करें दोस्तों। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, पसंद नहीं आ रही हैं तो डिसलाइक करिए। आपका वोट हर तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, बताते रहिए, सजेस्ट करिएगा जिन चीज़ों पे हमें सुधार करना है या जो चीज़ें अच्छी हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो बुरी हैं वो भी बता सकते हैं। लाइक डिसलाइक और शेयर पे करना थोड़ा गौर करें दोस्तों। इस कड़ी में आज के मैं टॉपिक की बात करूँगा दोस्तों। एडवांस मैथ्स में जैसा कि आप जानते हैं मेंसुरेशन हमने स्टार्ट किया था और इसी मेंसुरेशन में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में चीज़ें बहुत सारी डिस्कस भी की। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं, हमने उसके बारे में बात भी की। इसी में एक क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया जिसको मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके बाद हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। आज जो हमारी ये 25 से 30 मिनट का जो वीडियो रहेगा, ये कोशिश रहेगी मेरी कि ट्रायंगल पोर्शन में राइट एंगल ट्रायंगल पे हम चीज़ें सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। इक्विलेटरल में अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास आप सबके लिए, ये कोई ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। क्या है कि देयर इज एनोनिमस पॉइंट ओ समवेयर इन बिटवीन द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल कहीं ना कहीं कोई एनोनिमस, कोई गुमनाम बिंदु है ओ। और यहां से क्या किया हुआ है दोस्तों, तीनों साइड्स पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हुए हैं। ऐसे इस O पॉइंट से, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, O पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं, परपेंडिकुलर डाले गए हैं, लंब डाले गए हैं तीनों भुजाओं पे। तब आपसे मोस्टली इस क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई एरिया क्या है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, या हाइट पूछ लेता है दोस्तों, कई बार हाइट आपसे जान लेता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार देखेंगे जरा गौर करेंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है जैसा कि हम जानते हैं, तो इस लिहाज से मैं इसकी तीनों साइड्स ऐसे ए लेके चल सकता हूं, मैं इसको ए मानकर चल सकता हूं। अगर मैं ए मान लूं और इस ओ बिंदु को मैं ए बी और सी तीनों से मिला दूं ऐसे, मैंने क्या किया, मैंने इस ओ बिंदु से ए बी और सी तीनों वर्टिसेस, तीनों शीर्षों को मिला दिया। अब शायद आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं मान लूं फिलहाल कि ये जो ए से लेके ये डी तक का डिस्टेंस है, यहां डी ई और एफ पॉइंट्स बन रहे हैं जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, तो अगर मैं ए से डी तक को हाइट बोलूंगे, ए डी इज हाइट, जो है हाइट है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैं कैपिटल एच डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल एच, बड़ा एच। तब अगर मैं बात करूं इस कड़ी में, तो शायद आप ये बात जान पाए कि हमारे पास परपेंडिकुलर्स हैं, ए डी हाइट में बोल रहा हूं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वैसे भी हाइट जो है वो परपेंडिकुलर का काम करती है, मीडियन का काम भी करती है। तो अगर मैं यहां एरिया की बात करूं कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, आई कैन राइट इट लाइक 1/2, बेस के नाम पे ए, हाइट के नाम पे एच। हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं, बस द कंडीशन इज दैट यू वी हैव टू हाइट, हमारे पास हाइट होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए, आधार गुणा ऊंचाई 1/2 1/2 करके हम निकाल सकते हैं। सेम इस प्रोसीजर में अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल ए ओ बी में बात करूं, आई कैन राइट इट के एरिया ट्रायंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2, बेस के नाम पे पूरा ए में ले सकता हूं, हाइट के नाम पे मैं एच 3 ले सकता हूं, यस आई कैन राइट इट डेफिनेटली लाइक दिस। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ए ओ सी में क्या लिख सकता हूं,
एरिया ट्रायंगल AOC में लिख सकता हूं 1/2, दैट इज AOC, AOC बेस के नाम पे A, हाइट के नाम पे H1। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं एरिया ट्रायंगल BOC, एरिया ट्रायंगल BOC में क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली 1/2 A into H2। मैंने तीनों छोटे ट्रायंगल्स का एरिया लिखा, AOB का लिखा मैंने 1/2 बेस के नाम पे ये A, हाइट के नाम पे H3। AOC का मैंने लिखा 1/2 बेस के नाम पे A, हाइट के नाम पे H1। और यहां पे BOC पे मैंने लिखा 1/2 बेस के नाम पे A, हाइट के नाम पे H2। मैं लिख सकता हूं और शायद आप देख पा रहे हो कि AOB, AOC और BOC तीनों से मिलके ही तो ट्रायंगल ABC बना हुआ है, तीनों से मिलके ही तो ट्रायंगल ABC बनाओ। मतलब आई कैन राइट इट लाइक के एरिया ABC जो हमने लिख रखा है, मैं एरिया ABC को मेंशन कर सकता हूं कि एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल AOC, ये मैं लिख सकता हूं। शायद आप देख पाए इसका एरिया 1/2 A into H है, तो उधर मैं AOB के लिए क्या लिखूंगा भाई, AOB के लिए ये रहा 1/2 A into H3। इसको मैं मिटाना चाहूंगा, AOC क्या है प्लस 1/2 into A into H1, BOC क्या है 1/2 A into H2। A by 2 में यहां से कॉमन ले सकता हूं, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले सकता हूं और इधर भी है। तो चलिए मैं इसको मिटो के दोबारा भी क्या आएगा उसको लिख रहा हूं। कि एरिया ट्रायंगल AOBC ABC मस्ट बी इक्वल्स टू, जो के होना चाहिए इन तीनों का, वह A by 2 में कॉमन लूंगा, ABC के एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं A by 2 कैपिटल H। यहां से A by 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा अंदर, H1 प्लस H2 प्लस H3, ये कट रहा है, कैपिटल H मस्ट बी इक्वल्स टू, और अगर हाइट हमारे पास आ जाए इस तरीके से किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में, तो शायद आप समझ सकते हैं अब उसके बाद एरिया कोई टफ चीज नहीं है, क्योंकि h का साथ रिलेशन हम सारे जानते हैं कि h मस्ट इक्वल्स टू रूट 3/2 a, पहले पढ़ा हुआ है कैसे आता है ये भी, कहां से आता है ये भी, और इसको एज ए फॉर्मूला याद भी किया हुआ है रूट 3/2 a। अब कुछ बचता नहीं है, अब अगर मैं बात करूं इसी पे एक क्वेश्चन की, कई दफा क्वेश्चन जो है आ जाता है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की फॉर्म में हम देखते हैं, ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ए है, ए है, कोई एनोनिमस पॉइंट ओ है, एज ए परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ये इसका वैल्यू रूट 3 सेंटीमीटर, ये भी एक परपेंडिकुलर डाला गया है, इसका वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर, और यहां से जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है इसका वैल्यू 2√3 सेंटीमीटर। तब कई दफा आपसे क्या करेगा, बोलेगा कि भाई पैरामीटर बताओ जरा हमें, कि पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल क्या रहेगा, कि पैरामीटर आपसे मान लो पूछ लिया, या एरिया आपसे पूछ लिया कि एरिया ट्रायंगल का क्या रहेगा। तो इसके लिए अभी सीधा रिजल्ट याद रखें, अभी क्या रिजल्ट हमने देखा, हमने रिजल्ट साफ साफ देखा कि एच जो है वो ये होता है, और ये H1, H2, H3 क्या है, ये डिस्टेंसेस फ्रॉम द O टुवर्ड्स AB, BC एंड CA के तीनों भुजाओं पे डाले गए लंबों की लंबाई है, ये परपेंडिकुलर्स का डिस्टेंस है, गिवन तो है रूट 3, 2√3, 3√3, 3, 2, 5 और 1, 6, तो H का वैल्यू साफ साफ आ रहा है 6√3। अगर h आ गया तो a में क्या बचता है भाई, h का वैल्यू √3/2 a इक्वल्स टू 6√3, √3 से √3 कटेगा,
ए का वैल्यू कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, डेफिनेटली देख सकते हैं, आसानी से हम लेके आ सकते हैं। पेरीमीटर की बात करेगा क्या होता है, 3a तो सारा होता ही है 36। एरिया की बात करेगा क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर कितना आएगा 36√3 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है, कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। ये तो बात थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आज अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं यहां से भी। ट्रायंगल्स में जैसे कि हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, डिस्कस किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट एंगल पे बनते हैं, फिर आइसोसेलेस पे बनते हैं, स्केलन पे कई बार बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन बाकी दो ऑब्टूज एंगल और एक्यूट एंगल, अधिक कोण और न्यून कोण, इन पे ट्रायंगल्स पे क्वेश्चन आते नहीं है, कम ही आते हैं, और अगर आते हैं तो ज्योमेट्री में आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं शुरुआत करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। That is a right angle triangle, समकोण, समकोण जिसको आप बोलते हैं, right angle triangle, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण एग्जैक्ट 90 का हो, जानते होंगे समकोण जिसका एक कोण परफेक्ट पूरा 90 डिग्री का हो, जहां 90 डिग्री कोण बना होता है उसको आधार बोलते हैं, that is called base। दूसरा 90 कोण वाली भुजा को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और तीसरा करण, तीसरी भुजा जो बचती है वो बचती है करण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस करण। एक पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम सीधा एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, बेसिक में नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरीके से आएगा नहीं, पूछा नहीं जाएगा, तो हम सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है जी हाइपोटेनस स्क्वायर, या इसको हिंदी में मैं बात करूं कि कर्ण का वर्ग जो है हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है जी। अब इसमें एक्चुअल में ये पाइथागोरस थ्योरम आया क्यों था, क्योंकि कई बार क्या होगा, दो भुजाएं दे रखी होंगी, तीसरी मालूम नहीं होगी, तो तीन में से जब दो पता है तीसरी निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन मैं एज ए रिजल्ट आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद करा रहा हूं, उनको याद करिएगा प्लीज, क्योंकि पेपर में मोस्टली उन ट्रिपलेट्स में से ही चीजें आ जाती हैं, आपको स्पेसिफिक ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जरूरत पड़ती है तो हम अप्लाई करेंगे भी, लेकिन इट वुड बी नाइस कि हम पहले चीजों पर फोकस करें उस तरीके से। ट्रिपलेट्स पे मैं लिख रहा हूं कि बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, 3, 4, 5 इन दोनों में कोई भी आपस में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ये कई बार चार वैल्यू हो सकता है तो ये तीन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाइपोटेनस इज ऑलवेज 5 और रादर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का गुणज रहेगा या तो या 5 रहेगा, इन दोनों में अदला बदली हो सकती है, बेस कई बार 4 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी के मल्टीपल में कई बार आ जाता है 8, 6, 8, 10, इसी के तीसरे मल्टीपल में के 9, 12, 15, ये भी एक ट्रिपलेट है याद रख लेते हैं कई बार, चौथे में भी आ जाता है 12, 16, 20, इसको भी कई बार देखा गया है ऐसे आ जाता है, दूसरा 5, 12, 13, इसी में इसी का मल्टीपल 10, 24, 26, तीसरे की जरूरत नहीं है, तीसरा फिर 8, 15, 17, इसी के डबल पे आ जाता है 16, 30 और 34, इन्हीं को याद रखेंगे तो बेटर है, बेनिफिशियल है, और भी काफ़ी सारे कई बार चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इतनी ट्रिपलेट्स हमारे लिए काफ़ी रहेंगी, हम इतनी चीज़ें याद रखेंगे, 3, 4, 5 याद रखेंगे, उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स याद रखने जरूरी नहीं है, हम पहचान जाएंगे कि 3 का दुगना 6 बोल रहा है, 4 का दुगना 8 बोल रहा है, तो वो डेफिनेटली 5 का दुगना 10 रहेगा, कई बार 4 गुने पे बात आ जाएगी कि इसको 12 मैंने बोल दिया, उसको 1, 16 बोल दिया एक भुजा को, तो वो डेफिनेटली 5 का 4 गुना 20 ही आना चाहिए, 5, 12, 13 पे आप देख पा रहे हैं इसका डबल है, 12 से डबल है, डबल है। अब जैसे कई बार एरिया की मैं बात करूं, साफ साफ कितनी बार हम देख चुके हैं कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल हैविंग इट्स हाइट, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें ऊंचाई है, लंब है, तो वहां हमेशा एरिया ये होता है जी बेस इनटू हाइट,
वन बाय टू बेस इंटू हाइट, जो कि यहाँ हम राइट एंगल ट्रेंगल में भी यही हम अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए इन्हीं में से मैंने कोई ट्रिपलेट उठाई, इसको मैंने बोला 20 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये 16 सेंटीमीटर, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन गोट योर आंसर, ना, जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 20, 5 का 4 गुना है, 16, 4 का 4 गुना है, तो 3 का 4 गुना 12, दैट मस्ट बी 12 सेंटीमीटर, ये साइड 12 होना चाहिए। अब एरिया कोई बड़ी बात नहीं, 1/2 बेस के नाम पे 16, हाइट के नाम पे 12, कितना आ रहा है जी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 96 वर्ग सेंटीमीटर मैं बात करूंगा। ये थी बेसिक चीज, और इस पे फोकस करिए प्लीज, बहुत ही काम की चीज है, जरूरी चीज है। दूसरा, इससे फर्दर मैं बात करूंगा, ये पुरानी चीजें हैं, बहुत कम पहले आती थी। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बाद कल हम जितनी भी बातें करेंगे हम सारी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज तो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं कुछ चीजों के, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स कैसे बन रहे हैं, परिणाम कैसे बन रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। इससे फर्दर हम बात करेंगे कल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आज एक और मैं रिजल्ट पे बात करूं, समटाइम्स व्हाट हैपेंड कि परपेंडिकुलर पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर डाल देता है ऐसे, हाइपोटेनस पे, हाइपोटेनस पे एक और लंब डाल दिया जाता है, परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, मैं डी पॉइंट इसको मैं बोल दूं, कि बिंदु बी से, समकोण बिंदु से जो है करण पर एक लंब डाल दिया जाता है, इसकी डिस्टेंस पूछ देता है, इसकी लंबाई पूछ लेता है, लेंथ। मान लीजिए मैं बात करूं दैट इज पी, परपेंडिकुलर दैट इज बी एंड दैट इज एच। इसके रिजल्ट पे हम बात करते हैं, मैं सीधा रिजल्ट बना कैसे, मैं एज ए फॉर्मूला नहीं रटवा सकता, मैं ना रटवाऊंगा, लेकिन बात करेंगे कि चीजें आई कैसे, कहां से आई। अगर मैं बात करूं एबीसी के एरिया की, के एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या रहेगा, 1/2 बेस के नाम पे बी, परपेंडिकुलर के नाम पे पी, ऑलराइट, ये सही है, जाहिर सी बात है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब मैं बात करूं इससे फर्दर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की ही, लेकिन परपेंडिकुलर इस बीडी को मान के, हाइट बीडी को मान के डेफिनेटली माना जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लेटा दूं, ऐसे बी पॉइंट को मैं ऊपर ले जाऊं, ए और सी को मैं नीचे ले आऊं, तो शायद आप समझ पाए, तो ये आप ऐसे देख पा रहे होंगे, ये ऐसे देख पा रहे होंगे आप कि हाइट जो है बीडी बन रही है, क्योंकि ये भी एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है बी से, ये बी से भी एक परपेंडिकुलर डाला गया है ऐसे, दैट इज पॉइंट डी। ये भी एक साफ आप देख पा रहे होंगे कि बेस पे हाइपोटेनस बेस पे चला गया है, ये हमारा पी है, ये बी है, ये एक परपेंडिकुलर डाला गया है बी डी, जिसको मैं बी डी ही नाम दे रहा हूँ फिलहाल, के बी डी ही नाम दे रहा हूँ। तो एरिया ए बी सी यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से एरिया ए बी सी आएगा 1/2 बेस के नाम पे हाइपोटेनस और हाइट के नाम पे बी डी, हाइट के नाम पे बी डी। शायद आप समझ पाए कि बेस पे हाइट हमें दिख रही है बी डी, बेस पे ए सी में पूरी लूंगा तो एरिया भी ए बी सी का आएगा, अगर मैं बेस पे ए डी लेता तो फिर एरिया बी डी ए का आता, अगर मैं बेस पे सी डी लेता तो एरिया बी सी डी का आता, मैं पूरा ले रहा हूं तो ए बी सी का आएगा। बात करते हैं 1/2 से 1/2 कट रहा है, एच उधर, बी डी हमें पता करना है, तो बी डी क्या आएगा, बी डी आएगा इधर बी इंटू पी डिवाइड बाई एच। अब कई टीचर्स इस चीज को सीधा एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है बोलते हैं बच्चों को ग्रैब करने को भी, इसका सीधा सीधा याद रखें, ना जी ना, याद ना रखें, सीखें समझें, याद अपने आप रहेगा, अप्लाई करें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और कल जो है मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो फोकस इसी बात पे रहेगा कि हम चीजें सीखें। तीसरे रिजल्ट की, आज का एक आखिरी रिजल्ट की मैं बात करूंगा, जिसपे कल हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे करने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल से शायद आप बात समझ पाए होंगे, बहुत साइड जो है सारी चीजें मल्टीप्लाई में थी, आपस में काट सकता हूं सीधा। चलिए बात करते हैं इससे फर्दर रिजल्ट। चलिए फर्दर रिजल्ट पे अगर मैं बात करूं, तो मैं बात करूंगा रेडियसिस ऑफ इन सर्कल और सर्कम सर्कल की, यहां अंतःवृत्त और प्रीवृत्त के बारे में मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। सर्कम सर्कल और इन सर्कल, सर्कम सर्कल जो है क्या होता है, बाहर से जब हम वृत्त बनाते हैं कई बार,
किसी भी त्रिभुज की। इसका सरकम सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे तीनों वर्टिसेस को ऐसे हम बात करेंगे फ्रेंड्स। ये हमने सर्कल बना दिया, इसका सेंटर जो है यहां होता है हाइपोटेनस पे जो है सेंटर बनता है सरकम सर्कल के लिए। प्रीवर्त के लिए या बाह्य वृत्त या प्रीवर्त में जो है बात करूं इसकी, सरकम सर्कल के लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि सेंटर जो बनता है वो बनता है कर्ण के हाफ पे। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे मैं यहां बी पॉइंट से मिला रहा हूं चीजों को या ओ पॉइंट को, ये भी बड़ा आर है, ये भी बड़ा आर है, ये भी बड़ा आर है। याद रखें सरकम सर्कल ये बाह्य वृत्त के लिए कि बड़ा आर हमेशा क्या होता है भाई, एसी का हाफ होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है, हाइपोटेनस बाय टू। ये बड़ा आर कैपिटल आर जो है सरकम सर्कल का रेडियस, प्रीवृत्त या बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अगर मैं बात करूं अंतर्वृत्त के लिए थोड़ी देर पहले ही हमने कुछ चीजें सीखी हैं, उनको मैं दोबारा से फोकस में लाना चाहूंगा फ्रेंड्स। ये मान लो कोई पॉइंट ओ है, सेंटर है इसका, इन सर्कल का अंतर्वृत्त का जो है केंद्र है। तो यहां अगर मैं इस केंद्र को मिला दूं ऐसे, ये मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया ए के साथ, बी के साथ, और ये मैंने मिला दिया सी के साथ। अब अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस कैसे, यहां ये दैट इज रेडियस, ये त्रिज्या अंतर्वृत्त की ये है, ये आप देख पा रहे हूं। यहां अगर मैं बात करूं यहां भी मैं मिला सकता हूं, और ये रेडियस जो है सीधा परपेंडिकुलर जाएगी, यहां से परपेंडिकुलर का काम करेगी ऐसे। और तीसरा यहां मैं बात करूं कि जहां यहां टच कर रहा है इसको मैं H1 दे रहा हूं, ये जो है त्रिज्या है, हर बार जो है इसको छोटा R ही रखते हैं। चलिए ये भी R, ये भी R, ये भी R जो है परपेंडिकुलर जाती है। क्यों? क्योंकि पता है कि मैं परपेंडिकुलर ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां ना ज्योमेट्री का एक रूल फॉलो होता है। दिस इज द जो है ये टेंजेंट है स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं, और केंद्र से स्पर्श रेखा पे जब भी हम त्रिज्या मिलाते हैं वो परपेंडिकुलर का काम करती है, जो है लंब का काम करती है। तो अगर मैं यहां पे देखना चाहूं, मैं ए ओ बी का एरिया ट्रायंगल ए बी सी पूरा बड़ा किसके बराबर होएगा भाई, एरिया ट्रायंगल AOB, थोड़ी देर पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमने देखा था, प्लस एरिया ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ट्रायंगल BOC। अब मैं AOB की बात करूं एरिया की, तो क्या आएगा 1/2 बेस के नाम पे, ये P, ये B है, ये H है, सारे हम जानते हैं। तो क्या आएगा 1/2 बेस के नाम पे पूरा P और हाइट के नाम पे R। यहां पे अगर मैं बात करूंगा BOC के एरिया की, क्या आएगा 1/2 बेस के नाम पे B, हाइट के नाम पे R। यहां पर अगर मैं बात करूं 1/2 बेस के नाम पे पूरा H, हाइट के नाम पे R, ये आएगा। शायद अब समझ गए होंगे तीनों से मिलके ये बना हुआ है, इसका एरिया क्या है भाई, इसका एरिया है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। उधर से 1/2 R कॉमन आ रहा है, क्योंकि R/2 तीनों जगह है, R/2 इधर से क्या बचेगा अंदर P, इधर से अंदर बचेगा B और इधर से बचेगा H। ये कट गया, R निकालना है तो क्या करूंगा मैं, R से उधर ये सारा चीज इधर लेके आऊंगा, तो स्मॉल R कितना आ रहा है भाई, P इंटू बी अपॉन P प्लस बी प्लस एच। This will be the radius of encircle. अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो रहेगी क्या रहेगी, P into B upon P plus B plus H। इसी के लिए एक और एज ए सिंपल फॉर्मूला याद रखना है अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए, तो प्लीज याद रखिए P plus B minus H by 2। अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए एक और फॉर्मूला याद रखना चाहे रख सकते हैं, P प्लस बी माइनस एच
बाय टू स्पेसिफिक रिजल्ट्स में आज हमारी तरफ से इतना ही। जुड़ जाइए हमारे साथ, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।